रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जिसकी जो परेशानी है अल्लाह पाक उसको अपने गैर से जो है वो दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है अब मैं तो सबके लिए दुआ ही करती हूँ। जो मेरे दिल से तहे दिल से यही दुआ है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो खुश रहे हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर अब जो है मैं कमेंट्स लेना चाहूँगी। मैंने वीडियो जो है पोस्ट की थी, पोस्ट शेयर की थी एक इंस्टाग्राम पर कि आप सब जो है अपने सवाल पूछें और मैं जो है उनके जवाब दूँ। तो यहाँ पर सवाल तो जो है वो मेरी मर्ज़ी से ही होंगे क्यों। तो यहाँ पर किसी ने पूछा है कि आंटी आप जो हैं वो अपनी बहू को हज पे क्यों नहीं लेके गईं, कब जाएंगी वो? तो अब जब ये जाना चाहे इसका जो है वो अपनी मर्जी है। हमारे तो कोई हम क्यों लेके जाए, अपने शोहर के साथ जाए जब जाना चाहे। और मेरी बेटियां को नसीब में था तो मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ चली गई, ये अपने शोहर के साथ जाना चाहे तो जाए। इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। और नेक्स्ट कमेंट है, आंटी आप अपनी यूट्यूब इनकम का क्या करती हैं? तो ये तो अब बताओ तुम मत्तर, तुम्हें ही तो देती हूँ मैं अपनी इनकम। जी जी, अम्मी जो है इनकम वो मुझे ही देती हैं और अम्मी का और मेरा मामला है। मैं नापा को देती हूँ जो वो तो मेरी वीडियो बनाता है, तो उसको भी मैंने रखा हुआ है। मेरे बेटा जो है वो और जयसिंह को उसको भी देती हूँ क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, काम धाम उसको है नहीं, तो उसको जो है यूट्यूब से इनकम दे देती हूँ थोड़ी बहुत। तो वो फिर जो है वो मेरी वीडियो बनाता है और बहुत ही जो है फिर मेरे काम आता है ना, तो और इसको भी दे देती हूँ थोड़ी सी मोहतर को। अगर तो नेक्स्ट कमेंट है, आंटी आप इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? आपका जो है वो इतनी तनकीद कर रहे हैं रिएक्शन वाले, आप कैसे हैंडल करती हैं? तो बेटा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पता नहीं कौन लोग हैं मेरे और मेरे बच्चों के, मेरी बेटियों के पीछे पड़ गए हैं। और जो है मतलब मैं तो किसी से कोई दुश्मन आगे नहीं है, फिर भी ये लोग मेरे पर इतना जो है वो तनकीद करते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ ये करती हूँ। तो बस मेरी बहू के पीछे पड़े हुए, मेरी बेटियों के पीछे पड़े हैं और आए दिन जो है ना किसी बात पे तनकीद करनी है बस इनको। बेटियों की मेरी मैंने इतनी अच्छी तरबियत की है और कभी किसी को जो पलट के जवाब नहीं देती, ना मैंने जवाब दिया है ना मेरी बेटियों ने जवाब दिया है, लेकिन लोग फिर भी जो है शैतान के लोग होते हैं ना, जो लोग जिनकी शैतानी सोच होती है वो कभी भी जो है ना उनको इन चीज़ों से डर नहीं लगता। लेकिन जो मेरी बेटी ने किया अंबर ने, उसने भी वो तो मेरी बेटी शुरू से जो है ना ऐसी फनी उसको पसंद है, बहुत जो है वीडियो बनाती है उसको बड़े मतलब ऐसे करने में, तो वो जो हरकत कर रही थी वो कुछ भी नहीं कर रही थी। लोगों ने उस पर तनकीद की कि आंटी ये जो है ऐसे क्या कर रही है, अंबर जो है वो अपने दिखा रही है इस तरह से फीडर, तो वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी। उसको जो है वो बस मेरे ख्याल से पेट में दर्द हुआ था या क्या, उसको जो है बस वो फनी ऐसे बनाती है चीज़ें और है भी तो छोटी बच्ची, तो लोग पीछे पड़ गए उसके, अभी तक जो है उसको पीछे पड़ गए। जब से मैंने उसकी शादी की, मैंने अपनी बेटी की अंबानी खानदान में मेरी बेटी की शादी हुई और इतने बड़े लोग हैं वो, और मेरी बेटी को जो है इतना सब कुछ मिला और अभी इतनी खुश है, और मेरी बेटी से जो है ना जलिस हो गए लोग, मतलब जो कुछ लोग चाहते थे कि इसकी शादी नहीं होगी इतने बड़े खानदान में कैसे हो गई, और बस तो जलिस हो गए ना उससे। और फिर शादी के बाद भी उस पर जो है वो शुरू हो गए। मैं तो बस
यही कहूँगी कि जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बस मैं दुआ करती रहूँगी, उनको अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, जो हमें अच्छे सब्सक्राइबर मिलते हैं, जो हमारी अच्छे अच्छे तारीफ़ करते हैं, हमारे पसंद करते हैं व्लॉग को, तो उनके लिए बस मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको खुश करे और जो है अपने घरों में आबाद रखे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मैं जो है वो अब छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को भी। ये वीडियो बनानी थी मुझे सिर्फ जो है वो धमकी देने के लिए उन लोगों को जो रिएक्शंस के नाम पे जो चैनल खड़ा करती हैं और जो है गंद फैला रही हैं, और जो है बस उनके लिए वीडियो बनानी थी। कमेंट्स का तो बहाना था और क्वेश्चन आंसर तो मेरा कुछ भी वीडियो नहीं बनानी थी मुझे क्वेश्चंस के हवाले से, तो सवालों के तो बस मैंने जवाब यही देना था सबको, उन रिएक्शंस वालों के लिए वीडियो बनानी थी मुझे।